अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद रियाज और आप देख रहे हैं माई टीम। आज हम जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि 14 अगस्त है तो वहाँ का माहौल देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे। ये हमारी वर्कशॉप के सामने छोटा सा लॉन समझ लें, यहाँ पर कुछ खजूरों के दरख्त हैं और एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा ये लॉन है, आप देख सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा और ऊपर से यहाँ का जो अच्छे से ख्याल रखा जाता है एक्चुअली यहाँ का छोटे से लॉन का, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं। अभी बस इसकी कटाई होने वाली है घास की जी, तो हम वहाँ से थोड़ा आगे हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मशीनरी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है हबीब, तो यहाँ पे आपको उसी तरह की मशीनरी नज़र आ रही है। और ये आगे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली असल में पहाड़ नहीं है, ये जब ऑरेंज ट्रेन का काम हो रहा था तो उन दिनों यहाँ पे सारा मटेरियल तैयार होता था, तो ये उन दिनों की बाकी आप सुनिए। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं वर्कशॉप से, हमारी वर्कशॉप में काम करने लगे यहाँ के वर्कर। अस्सलाम वालेकुम भैया, लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं जी, तो ये सामने आप देख सकते हैं ये भी उन्हीं बाकी हाथ में से, तो अभी हम गेट पर पहुँचने वाले हैं, तो गेट पर पहुँच गए हम तो अभी यहाँ से एंट्री मारेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा आपको मिलेंगे मीनारे पाकिस्तान में। सही है सर, जी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीनारे पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा मंजर है यहाँ का। असल में जितना बड़ा शहर लाहौर है और इसकी बात ही है, उस हवाले से ये एक पार्क ना काफ़ी है, तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए और इस तरह के मज़ीद इनिशिएटिव लेने चाहिए। अभी दोपहर का टाइम है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे शाम होगी लोग और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और पॉसिबल है कि यहाँ अगर आपको कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। अगर दूसरे पार्क और इस तरह की चीज़ों का हाल देखा जाए तो उसके बाद इस पार्क को देखकर एक खुशगवार एहसास होता है कि कम से कम इसको तो किसी हद तक संभाल कर रखा गया है। जी हाँ, तो लोग आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप, औरतें भी काफ़ी तादाद में आ रही हैं फीमेल्स का, और अक्सर देखा गया है कि पार्कों में लौंडे लकारों के आने की ज़्यादा वजह भी फीमेल हजरात का आना होता है, समझ तो आप गए होंगे। यहाँ का माहौल अच्छा है, आपके पास वक्त हो तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा इन्जॉयमेंट करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो बेहतरीन जगह है। और अगर आपको बोटिंग का शौक़ है तो वो मिल सकता है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं, वो भी अच्छा मिल जाता है, तो बहुत कुछ है अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और फैमिली अक्सर फैमिली के साथ लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं वो अक्सर फैमिली के साथ हैं और जो टीनेजर हैं वो ओबियसली अपने दोस्तों के साथ हैं। और आज हम यहाँ 3 लोग आए थे, मैं, अहमद और मेरे साथ एक लड़का है फैसल, तो आज हम 3 लोग इधर आए थे, तो इस वक्त ज़रा साइड पर हैं, तो मैंने सोचा मैं ज़रा अपना व्लॉग
की तो ये मेरा यहाँ का दूसरा ट्रिप है लाहौर में आने के बाद। तो लास्ट टाइम मैं एक और लड़की के साथ आया था, वो काफ़ी फोटो वगैरह बनाए थे, काफ़ी इन्जॉय किया था। अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हैं तो और ख़ुद ही बनाना चाहते हैं अकेले के लिए तो मेरा ख्याल आप ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाते। अगर आप इन्जॉय करना तो मोबाइल आपका पॉकेट में होना चाहिए और आपको जस्ट माहौल से चिल करना चाहिए। और इधर ये दोनों शहजादे खड़े हैं जी, ये मीनारे पाकिस्तान। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और कुछ मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये लगता है कोई ट्रिप आया किसी स्कूल का, बच्चे यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं जी दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे शाही किला की तरफ, देखें लोगों का कितना हजूम है। जी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, उस पर कोई याद चल रहा है और बस हम भी पहुँचने वाले हैं शाही किला की ट्रिप। अभी आप देख सकते हैं कितना रश है लोगों का, तो कोशिश करते हैं जल्दी यहाँ से निकलें और आगे की तरफ बढ़ें। जी तो हम सामने आ चुके हैं शाही किला के और अभी हमने एंट्री क्रॉस की है। यहाँ पे भी लोगों का बहुत रश है लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो आपको ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। आप देख सकते हैं सामने शाही किला, मौसम भी बहुत अच्छा है, आसमान पर बादल नज़र आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, कुछ फॉरनर भी नज़र आ रहे हैं। ये अहमद साहब हैं और ये फैसल साहब हैं, ये देखिए लोग बैठे हैं अपनी मस्ती में, कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से सामने शाही मस्जिद का नज़ारा देखते हैं। तो जी यहाँ से देखें तो आपको सही माहौल नज़र आता है, सही आइडिया होता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ग्रीनरी और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े भी नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत पाकिस्तान के परचम, ये कुछ फॉर्मर खड़े हैं इधर। देख सकते हैं हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और ये भाई दोनों वीडियो बना रहे हैं और कुछ फोटो बना रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, तो ये बस हम सामने पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इंतज़ाम हो रहा है रात को किसी फंक्शन का और ये चीज़ें कि इंस्टॉलमेंट हो रही है और यहाँ से आप देख सकते हैं शाही किला को। और कई भाई बता रहे थे यहाँ पे रात को आतिफ असलम आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस होगी रात को,
तो हम तो ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अभी अजानें हो रही हैं तो ये असर का वक्त हुआ जाता है। और ये आपका भाई है, इसके साथ दो शहजादे हैं और ये सब मिलकर शाही किला घूम रहे हैं। यहाँ ऊपर से बहुत अच्छा मंजर दिखाई देता है लेकिन जो ये पाँ पाँ की आवाज़ें बाजू वाली ये कानों में बहुत ज़ोर से पड़ती है और बहुत तकलीफ देती है। तो अब चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ। सबसे पहले तो जूते किसी के हवाले करते हैं, उसे टोकन लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। बादशाही मस्जिद देखकर एहसास होता है और याद आती है औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब आलमगीर की, कि कितनी खूबसूरत कितनी शाहकार उन्होंने बनाई थी। और ये सुरख रंग के संगमरमर से बनी ये खूबसूरत मस्जिद बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बहुत फसी और इस मस्जिद है, इसका सहन देख सकते हैं कितना कुशादा है। अभी हम मंदिर की तरफ चलेंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ फॉरेनर नज़र आ रहे हैं। सहन के चारों तरफ लोग ही लोग हैं और ये सामने होटल है जो अक्सर हम ड्रामों वगैरह में देखते हैं। यहाँ से जो होटल नज़र आ रहा है और यहाँ हम जरा अंदर की तरफ आए तो यहाँ से हमने देखा तो कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। लोग बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे हैं और ये हम मस्जिद का इंटीरियर, ये सामने फर्निश नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी कुछ फॉरनर आपको नज़र आ रहे हैं। ये सामने ये लोग इनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं, क्या ग़ुलाम कौम है यार हम। ये भाई कितने मज़े से जा रहे हैं और कितनी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। और ये मस्जिद की जो दीवार है उसके अंदर जो राहदारी बनी है और वहाँ से ये बालकनी का मंज़र है और यहाँ से मेरा पाकिस्तान नज़र आ रहा है और नीचे भी लोग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोगों को मार पड़ रही है लेकिन खैर हम भी पाकिस्तानी हैं, बाहर तो हम भी नहीं आएंगे, जितना मर्ज़ी रोक लो हम नहीं बाज आने वाले। और देखिए यहाँ पे लोगों को आपको मार पड़ती नज़र आएगी, ये लाठीचार्ज हो रहा है और लोग इसको बहुत फन के तौर पर ले रहे हैं। वो सामने आपको बालकनी पे लोगों का रश नज़र आ रहा है। हाँ देखिए आप लोग भाग रहे हैं तो अभी हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हमें वापस भी जाना है। लोगों को इन्जॉय करने दो लेकिन आप हम चलते हैं। यहाँ पे महफिल ज़िक्र हो रही है, अभी नात खानी हो रही है, काफ़ी लोग इस्मात कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है तो हम चलते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली लाहौर दिन को कम और रात को ज़्यादा जागता है और यहाँ पर आपको लेट नाइट अक्सर बैठने नज़र आते हैं। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी थक चुके हैं, टांगें भी दुख रही हैं तो कोशिश है कि जल्दी से बाइक पर पहुँचें और वापसी गिरा लें।
लोग तो आ रहे हैं लेकिन अभी हमने जाना है, और वैसे भी जो आए हैं उसको तो जाना ही है। क्यों जी, सही कहा ना? इसी जगह पे, इसी जगह पे जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।